गुड मॉर्निंग गाइस, दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए दो अल्टीमेट क्वालिटी की डॉग स्पीड लेकर आया हूं, जिसमें से फर्स्ट है फ्रेंच बुलडॉग और सेकंड है पोमरेनियन। दोस्तों जो फ्रेंच बुलडॉग है ये डायरेक्ट इंपोर्ट के बच्चे हैं, और जब आप लोग इनके मदर फादर को देखोगे तो भाई तब आप लोगों को पता लगेगा कि इनकी क्वालिटी किस लेवल की होने वाली है। वैसे अगर ऑनेस्टली बताऊं तो जो इन पपीज के फादर हैं, ऐसी क्वालिटी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। तो अगर आप लोग भी उन्हें देखना चाहते हैं और उनके प्राइस और लोकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। वैसे गाइस पपीज का जो प्राइस है उसे सुनकर आप लोग शॉक्ड होने वाले हो। वैसे इनके प्राइस के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि पपीज का प्राइस काफी एक्सपेंसिव होने वाला है या फिर एक डिसेंट सा। वैसे गाइस इन फ्रेंच बुलडॉग पपीज में आप लोगों को कलर ऑप्शंस काफी ज्यादा मिल रहे हैं, जैसे कि ब्लैक, ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट ब्रिंडल, फाउन एंड व्हाइट मार्ले। तो भाई कलर में तो आप लोगों की मौज हो रखी है, आप लोग अपने फेवरेट कलर को परचेज कर सकते हैं। बट एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि कलर के हिसाब से ही उन्होंने इनका प्राइस डिसाइड कर रखा है, क्योंकि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सभी पपीज का प्राइस सेम होगा तो भाई आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। तो गाइस पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पपीज की क्वालिटी में आप लोगों को सिंगल कंप्लेंट भी नहीं आएगी, बिकॉज पपीज अल्टीमेट क्वालिटी के हैं और केसीए रजिस्टर्ड हैं, तो यहाँ पर प्योरिटी की श्योरिटी आप लोगों को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग क्वालिटी की टेंशन छोड़कर आप लोग बजट की टेंशन करो कि क्या पपीज को आप लोग अफोर्ड कर सकते हो या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, फ्रेंच बुलडॉग एक स्मॉल साइज की डॉग ब्रीड है जो बिल्कुल शॉर्ट कोट में होते हैं, और इनका मेंटेनेंस खर्च भी काफी कम होता है। तो इस वीडियो में जो देखने की चीज है वो है इन पपीज के पेरेंट्स, तो जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो गाइस ये देखिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है इन पपीज के फादर। भाई बहुत ही तगड़ी क्वालिटी के हैं, मैंने तो इससे पहले ऐसी क्वालिटी कभी नहीं देखी। एंड आई एम श्योर आप में से भी काफी लोग ऐसे होंगे जो ऐसी क्वालिटी फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके मदर और फादर दोनों ही चाइना से इम्पोर्ट हैं। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है पपीज की मदर, और ये भी सुपर्ब क्वालिटी में है। तो अब बात करते हैं पपीज की बाकी के इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो गाइस पपीज जो हैं ये 40 डेज के हो चुके हैं, और अब मैं आप लोगों को इनके कलर के हिसाब से इनका प्राइस बताऊंगा। तो इनमें जो सबसे लोवेस्ट प्राइस है वो है ब्लैक एंड व्हाइट मेल पपी का, जो है 25,000 पीस 25,000 रुपए। सेकंड है व्हाइट एंड ब्रिंडल कलर की फीमेल का, जिसका प्राइस है 29,000 पीस यानी 29,000 रुपए। थर्ड है ब्लैक कलर की फीमेल का, जिसका प्राइस है 35,000 पीस यानी 35,000 रुपए। एंड फोर्थ है फाउन कलर की फीमेल का, जिसका प्राइस है 49,000 पीस यानी 49,000 रुपए। लेकिन भाई मामला यहीं पर खत्म नहीं हो जाता, इसमें जो व्हाइट मार्ले कलर की फीमेल है उसका प्राइस है 50,000 पीस 50,000 रुपए, और जो मार्ले कलर की फीमेल है उसका प्राइस है 1,10,000 पीस यानी 1,10,000 रुपए। बाकी गाइस आप लोग बारगेनिंग कर सकते हो। तो गाइस फ्रेंच बुलडॉग के बाद अपनी इंडियन डॉग ब्रीड भी इन्हीं ओनर के पास है, जो है इंडियन स्पिट्स, जिसे हम लोग पोमरेनियन के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस आप लोग इन पपीज की क्वालिटी देखें यार, पपीज बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और फर भी काफी बड़ा है। तो गाइस ये भी एक स्मॉल साइज की डॉग ब्रीड है, बट ये वन ऑफ द बेस्ट वॉच डॉग्स की कैटेगरी में आते हैं, जो किसी भी स्ट्रेंजर्स के आने पर आप लोगों को तुरंत अलर्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ओनर के पास ये चार पपीज अवेलेबल हैं, और चारों के चारों मेल पपीज हैं, और इनकी जो एज है ये 38 डेज के हो चुके हैं, और ओनर की जो लोकेशन है वो है भटिंडा पंजाब से। एंड दोस्तों दोनों ही ब्रीड पर आप लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी मिल जाएगी, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज पर, या फिर आप लोग ओनर के पास जाकर भी इन्हें परचेज कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर इनके प्राइस के बारे में बात करें तो भाई ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो के 7,000 पीस यानी 7,000 रुपए, बाकी इनका प्राइस भी नेगोशिएबल है। एंड गाइस आप लोगों को ये वीडियो जरा सी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को भी लाइक जरूर करें। तो मिलता हूं आप लोगों से एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।